हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप यू ऑल आर वेरी फाइन एंड एंजॉइंग योर लाइफ। वेलकम टू दिस चैनल द सन टैरो 7777। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपने देख रखा होगा, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। हु इज़ योर ट्रू लवर, आपके जो ट्रू लवर हैं वो कौन है, मतलब कि क्या आपके करेंट पार्टनर हैं, क्या पास्ट के पर्सन होंगे, या फिर कोई न्यू पर्सन जो है आपके फ्यूचर में आने वाले हैं, आपका वेट कर रहे हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं। सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ इस रीडिंग में, कि जो आपके ट्रू लवर है ना, जो आपका स्पिरिचुअल लव है, वो आपको कब तक मिलेगा, वो पर्सन आपको कब तक मिल सकते हैं, कहाँ से होंगे, उनका नेम इनिशियल क्या होगा, उनकी पर्सनालिटी लुक्स कैसा होगा, एंड फर्स्ट टाइम उस पर्सन से आप कहाँ मिलोगे, ठीक है, उनका जोडियक साइन क्या हो सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि उस पर्सन के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी रहेगी, आप उस पर्सन को कैसा ट्रीट करोगे, ठीक है, और ऑनलाइन मिल सकते हो या फिर ऑफलाइन मिलोगे, कहाँ मिलोगे, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ आपके ट्रू लवर के बारे में, ठीक है, और कैसा उनका रवैया दूसरों के साथ होगा, आपके साथ होगा, क्या फ्यूचर होगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। कुछ भी गाइडेंस अगर आता है इस रिलेशन के लिए, ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से, तो वो सब कुछ आपको पता चलने वाला है इस रीडिंग में। इसलिए आप लोग जो है चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पेड पर्सनलिटी के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर शो कर दिया है। आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में जाके इंस्टा आईडी को जो है लिंक उसको क्लिक कीजिए, आप लोग डायरेक्ट मेरे इंस्टा आईडी पे पहुंचोगे, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड आप जानते हो कि क्रिएट हो चुके हैं। सो अगर आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हो, फ्रॉड से बचना चाहते हो, तो दिए गए जो स्क्रीन पे इंस्टा आईडी है या फिर जीमेल है, आप सिर्फ उससे ही कांटेक्ट करना, या फिर डिस्क्रिप्शन में आप जाके लिंक टच करके पहुंच सकते हो। ऑलराइट, सो ये जो आपकी रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी, जेंडरलेस रीडिंग होगी, मेल हो फीमेल हो, कभी भी देखते हो, एक साल बाद, दो साल बाद, चार साल, पाँच साल बाद, ये आपकी मैसेज रहेगी, और जब भी आपके सामने आएगी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देकर ही जाएगी आपके फ्यूचर के लिए, आपके ट्रू लवर के लिए, ठीक है। सो ओपन माइंडेड होकर देखना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट कर सकती हैं, कुछ चीज़ें नहीं भी कर सकती हैं, और फर्स्ट मैरिज वाले हो, सेकेंड मैरिज वाले हो, थर्ड मैरिज वाले हो, कोई भी हो आप, कोई भी जेंडर वाले हो, सभी के लिए ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। सो पूरा रीडिंग देखिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल सकती है कभी भी, कुछ भी। ऑलराइट, सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। सो अगर आपका बर्थडे 1 से 16 के बीच में आता है किसी भी मंथ में, तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। मैं आपको पॉज करके भी दिखा दूंगी, ताकि आप अपना समय लेके कार्ड या फिर पाइल सेलेक्ट कर पाऊँ, ठीक है। देन यहाँ पे है 17 से 31 के बीच में अगर आपका बर्थडे आता है, तो आपकी पाइल 2 रीडिंग होने वाली है, ठीक है। ऑलराइट, एंड कार्ड है आपका, दोनों ही काफ़ी अच्छा कार्ड आया है आपके लिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज फॉर पाइल 1, ओके। एंड देन है यहाँ पे पाइल 2 के लिए द इम्प्रेस का कार्ड। ऑलराइट, सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, इंटिटिवली आपको सेलेक्ट करना है, मतलब कि अपने भगवान ईश्वर जीसस सल्ला वाहेगुरु या फिर किसी भी हायर पावर को आप मानते हो, उनका नाम लेकर अपने कार्ड को और अपने पाइल को सेलेक्ट करना है, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद में मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए होंगे, या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड को सेलेक्ट किए होंगे। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, पेड पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप जाकर डायरेक्टली लिंक क्लिक करके जो है इंस्टा आईडी पे पहुंच सकते हो, क्योंकि बहुत सारे फेक इंस्टा आईडी है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ओके, सो बिल्कुल आप लोगों को पॉजिटिव रहना है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। बताइए मेरे व्यूअर्स के ट्रू लव कौन है, कब तक इनको मिलेंगे, ठीक है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, दिस वन। ऑलराइट, कुछ मैं कार्ड्स ले लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है, कौन है आपके ये पर्सन। मैसेजेस अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, ओके। ब्यूटीफुल एनर्जी है इस पर्सन की। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है आपके स्पिरिट गाइडर होने वाले हैं, ठीक है। हो सकता है कि ये जो पर्सन आपको शुरुआत में मिले, तो आप दोनों के बीच में थोड़ा बहुत नोकझोंक हो सकता है, क्योंकि ये जो पर्सन होंगे ना, बिल्कुल एक गार्जियन की तरह हो सकते हैं, पेरेंट्स की तरह हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपसे बड़े होंगे, बड़े नहीं होंगे, बल्कि इनका जो नेचर होगा वो काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। प्रोटेक्टिव टाइप के ये पर्सन होंगे, आपको प्रोटेक्ट करने वाले पर्सन होंगे,
तो हो सकता है किसी किसी चीज़ में ये पर्सन आपको रोकेंगे टोकेंगे, इस वजह से हो सकता है कि आप दोनों के बीच में थोड़ा बहुत झगड़ा हो सकता है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि अगर आप इस पर्सन के कहने को, जो इनका कहा हुआ बात है उसको अगर समझ जाओगे तो फिर आप दोनों के बीच में बिल्कुल शांति होगी, ठीक है, कोई झगड़ा नहीं होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि इतने अच्छे पर्सन आपको कभी भी लाइफ में नहीं मिले होंगे, ठीक है। इनकी जो सोच है ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में भी सिमिलैरिटीज़ नहीं होगी, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होगा सोच में, परसेप्शन में, ठीक है। इस वजह से हो सकता है कि आपको ऐसा लगेगा कि ये जो पर्सन है मेरे लिए नहीं बने हैं। थोड़ा सा टाइम लग सकता है आप दोनों को मिलने जुलने में, लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक बार जब आप इस पर्सन के परसेप्शन को, इनकी थिंकिंग सोच को समझने लगोगे ना, देन फिर आप दोनों को कभी भी कोई अलग नहीं कर सकता है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर कोई ऐसे पर्सन आपके लाइफ में है जिसके साथ आपकी बनती नहीं है, मतलब अट्रैक्शन तो है, आप उससे प्यार तो करते हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है, मैं इसके बात को नहीं समझ पाती हूँ, वो मेरे बात को नहीं समझ पाता है, अगर इस तरह का कोई है पर्सन आपकी लाइफ में, तो हो सकता है वही आपके ट्रू लव है। और मे बी उनके साथ बाउंडिंग अच्छे होने में टाइम लगेगा, लेकिन हाँ वही आपके ट्रू लवर दिखाई दे रहे हैं। और अगर कोई नहीं है तो डेफिनेटली ऐसे पर्सन आपको मिलेंगे, और मे बी ये जो पर्सन है थोड़े से सीनियर भी हो सकते हैं आपसे, हो सकता है वर्क प्लेस पे है तो ये बड़े होंगे, ठीक है, एज वाइज भी सीनियर हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं आपके, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये ना बहुत ज़्यादा शांति बनाकर रखेंगे, ठीक है। पहला यहाँ पे ऐसा होगा कि थोड़ा सा प्रोटेक्टिव हो सकते हैं, पोसेसिव हो सकते हैं, लेकिन सब कुछ यही मैनेज करेंगे, ठीक है। आप जो है हो सकता है गुस्सा हो जाओगे, रूस जाओगे और यही मनाएंगे हर बार, इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके ट्रू लवर में, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आपको या फिर किसी और को भी, किसी को भी ट्रू लव जो है इतने आसानी से मिलता नहीं है, उसके लिए एफर्ट लगाना ही पड़ता है, ठीक है। और आपका ट्रू लव तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा सोच में डिफरेंस होगा ना, इसलिए आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन एक बार जब आप इस पर्सन को समझोगे, इनके बात को समझने लगोगे, फिर आपको लगेगा कि इससे परफेक्ट कोई नहीं है, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके जो पर्सन है वो एक बहुत अच्छे पर्सन होंगे ही होंगे, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होंगे। जैसे कि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके जो पर्सन है वो डेफिनेटली एक अच्छे फैमिली से दिखाई दे रहे हैं, रिच फैमिली से दिखाई दे रहे हैं, या फिर इन्होंने खुद ही अपना एम्पायर खड़ा किया है, बहुत मेहनत किया है, पैसे कमाए हैं, फाइनेंशली इंडिपेंडेंट दिखाई दे रहे हैं, हर तरीके से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि इंडिपेंडेंट होने के बाद काफ़ी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी आता है, एरोगेंस आ जाता है, लेकिन आपके पर्सन के अंदर वो नहीं दिखाई दे रहा। आपके जो पर्सन है जितने ज़्यादा रिच होंगे, जितने ज़्यादा ऊंचाई पे जाएंगे, ठीक है, जितना बड़ा इनका एम्पायर होगा उतना ज़्यादा ये पर्सन डाउन टू अर्थ होते चले जाएंगे, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, हो सकता है कि पहले मुलाकात में आप दोनों के बीच में नोकझोंक हो जाए, डिबेट हो जाए, लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ पे यह है कि बहुत अच्छी बाउंडिंग इसी पर्सन के साथ आपकी होगी, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो ये जो पर्सन है नेचर वाइज बहुत अच्छे होंगे, आपको फर्स्ट टाइम जब मिलोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो पर्सन है सभी के साथ काफ़ी अच्छे हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि सभी पर्सन उसको समझते होंगे और आप जो है उनको समझोगे नहीं, इसलिए हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा शुरुआत में, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यही ऐसे पर्सन हैं जो कि आपके लाइफ में इंटर करेंगे और ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं। सेफ शिफ्टर का कार्ड है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के आने की वजह से लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें जो है अनफोल्ड होती है, वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के आने की वजह से आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपकी खुद की सेल्फ अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। तो ये ना एक तरीके से मोटिवेशन भी दिखाई दे रहे हैं आपके लिए, ठीक है, आपको इंस्पायर करने वाले हैं, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऑल राइट, हो सकता है नोकझोंक में ही ये पर्सन आपके बारे में कुछ बुरा बोल दे, आप इस पर्सन के बारे में बुरा बोल दो, तो वो जो बात है ना आपको बुरा लग जाएगा और फिर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे एंड ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होने लगेगा, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आपके जो पर्सन है ये हमेशा यही चाहेंगे कि आप अपने लाइफ में कुछ करो, ठीक है, कुछ नाम कमाओ, कुछ बड़ा करके दिखाओ, अपने फैमिली को प्राउड फील कराओ, इनको प्राउड फील कराओ, तो ये एनर्जी है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के पार्टनर ऐसे होते हैं ना कि अपने पार्टनर के लिए कभी अच्छा नहीं चाहते हैं, लेकिन आपके जो पार्टनर है वो हमेशा यही चाहेंगे कि आप अपने लाइफ में बहुत तरक्की करो, इनसे भी बहुत ज़्यादा आगे जाओ, ठीक है, ये इनका सोच होगा, ये इनकी थिंकिंग होगी और इसीलिए ये पर्सन आपके ट्रू लव है, ठीक है। ट्रू लव की थिंकिंग बिल्कुल यही होती है, वो हमेशा ही चाहते हैं कि आप उनसे आगे बढ़ो, ठीक है, ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट दोनों में ही यही होता है, ठीक है।
और जो कार्मिक होते हैं वो तो हमेशा यही चाहेंगे कि आप बिल्कुल उनके अंडर में रहो, ठीक है, आप उनका कहना मानो, बिल्कुल स्लेव बन के रहो। लेकिन आपके ये जो पर्सन है, इसी वजह से आप दोनों के बीच में नोकझोंक होगा, क्योंकि आपको ये पर्सन बोलेंगे कि तुम्हें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, और आपको ऐसा लगेगा कि ये तो खुद में बिजी है, मुझे टाइम नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये आपके लिए अच्छा चाहेंगे, इस बात पे आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। कुछ लोग अगर यहाँ पे इमेच्योर हैं और थोड़ी सी मेच्योरिटी अगर कम है, तो आपको थोड़ा सा संभल के चलना होगा आगे आने वाले रिलेशन में इस पर्सन के साथ। ये जो पर्सन है फैमिली ओरिएंटेड है, ठीक है, फैमिली से इनका काफ़ी ज़्यादा लगाव होगा, और कभी बात बात में आप पूछोगे कि तुम किसे फर्स्ट प्रायोरिटी देते हो, टॉप प्रायोरिटी किसे देते हो, तो मे बी ये जो पर्सन है फैमिली बोलेंगे, और जब ये फैमिली बोलेंगे तो फिर आपको मे बी बुरा लग सकता है, आपको ऐसा लगेगा कि ये तो फैमिली बोल रहे हैं तो मेरी कहाँ जगह है। तो फैमिली कहने का इनका मतलब होगा कि आप भी फैमिली हो, ठीक है। तो इनका जो बोलने का तरीका होगा, बात जो होगा ना, वो काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन आप हो सकता है इसको गलत मतलब में लोगे, इसलिए मैं आपको पहले से ही गाइड कर दे रही हूँ, ओके। सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है, चाहे कितने भी अच्छे अच्छे लोगों से मिले, खूबसूरत लोगों से मिले, हैंडसम स्मार्ट लोगों से मिले, लेकिन ये जो पर्सन है, एक बार अगर आपको कमिटमेंट देंगे तो ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही रहेंगे, ये इस तरह का नेचर है इस पर्सन का, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि टाइम तो लगेगा आप दोनों को खुलने मिलने में, लेकिन बहुत अच्छा रिलेशन होगा। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है फर्स्ट बार में जब आपको देखेंगे ना, आपके लुक्स को या फिर आपके बोलने के तरीके को, तो ये इम्प्रेस ज़रूर होंगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। चाहे आप दोनों के बीच में कितना भी नोकझोंक क्यों ना हो, ये पर्सन आपको लेकर हमेशा ही बहुत ज़्यादा सीरियस रहने वाले हैं, बहुत पॉसेसिव भी रहेंगे और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव एनर्जी में रहेंगे, ठीक है। इनको ऐसा लगेगा कि आप जो है कैसे भी इसको प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है, कोई भी इसके लाइफ में नहीं आना चाहिए, तो आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा फियर में भी रहेंगे ये पर्सन, ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ओके। ब्रोकन एरो, ऑल राइट, मुझे ऐसा लग रहा है कि शुरुआत में आप दोनों के बीच में थोड़ा बहुत झगड़ा हो सकता है, ये पर्सन ऑटम के टाइम में आपको मिल सकते हैं, एंड वाटर गार्जियन का भी एनर्जी है यहाँ पे, ओके। एक कार्ड यहाँ पे और, दिस वन, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर किसी से आपकी बात हुई है विंटर के टाइम में, तो मे बी वही पर्सन आपके हो सकते हैं, अगर उस टाइम से आपकी बात होती चली आ रही है, तो ये जो पर्सन है आपके ट्रू लव दिखाई दे रहे हैं, या फिर कुछ लोग जो है समर के टाइम में मिल सकते हो, ठीक है, हो सकता है कहीं आप घूमने फिरने को गए हो उस दौरान भी मिल सकते हो। देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, ठीक है, कोई लड़ाई झगड़े हो ही नहीं रहे हैं, तो फिर बाउंडिंग का पता कैसे चलेगा। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक लिमिट में ही आप दोनों के बीच में नोकझोंक होगी, और आप लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करोगे इस चीज़ को, रिलेशन में रह के बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे, बहुत सारी चीज़ें सीखते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। एंड हो सकता है कि इस पर्सन के साथ अभी समर में आप रिलेशनशिप में आते हो, मे बी अप्रैल के मंथ में, इस टाइम मैं आपको मंथ वगैरह बता दूंगी, तो हो सकता है कि विंटर तक जाते जाते आप दोनों का जो रिलेशन होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा, और मे बी शादी वगैरह भी हो सकता है। ये देखिए यहाँ पे विंटर का कार्ड है, जो कि ये बता रहा है कि आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होंगे, सेंसिटिव होंगे, केयरिंग होंगे, लविंग होंगे, एंड साथ साथ ये जो पर्सन है आपके हर एक ज़रूरत का, जो भी नीड होगा ना, उसका काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखेंगे। मे बी ये पर्सन आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं, और इमोशनली तो डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और ये हमेशा चाहेंगे कि आप भी जो है इस पर्सन को इमोशनली सपोर्ट करो। मुझे ऐसा लग रहा है ये जो पर्सन आपके लुक्स की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने वाले हैं, इनको ऐसा लगेगा कि आप एक बिल्कुल फेरी की तरह हो, प्रिंसेस की तरह हो, क्वीन की तरह हो, ठीक है। और ये जो है आपको अपना क्वीन जो है ना मानने लगेंगे, अपना किंग जो है मानने लगेंगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे क्लियर है सन का एनर्जी आया है, इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है ये रिलेशन आपका इस पर्सन के साथ, ठीक है। और ये क्लियर है कि पूरी ज़िंदगी जो है इस पर्सन के साथ आप बिताने वाले हो, ये भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, सो शुरुआत में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, इस पर्सन के साथ एडजस्ट करना पड़ सकता है, मे बी थोड़ा सा प्रॉब्लम रोगे, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा जब आप इस पर्सन को समझने लगोगे, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे यही होती है ना कि सामने वाले को नहीं समझते हैं, इसी वजह से लड़ाई झगड़ा होता है और फिर अलग भी हो जाते हैं। कुछ लोगों का होता है कि शादी भी हो जाता है और डिवोर्स भी हो जाता है इसी वजह से, क्यों, क्योंकि एक दूसरे को समझते नहीं है, ठीक है, ये बहुत बड़ा रीज़न है। इसलिए आपको बिल्कुल सोच समझ कर आगे अपने लाइफ में कदम रखना होगा। अगर किसी के साथ भी अगर रिलेशनशिप में आते हो, तो कमिटमेंट देने से पहले जो भी उनके फ्लॉज हैं,
ठीक है, जो भी कमी है और जो भी अच्छाई है, सारी चीज़ों को एक्सेप्ट आपको करना ही होगा। ठीक है, जब आप उस सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे, उसके बाद ही आपको रिलेशनशिप में आना चाहिए, ये कहा जा रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन में एक कमी है, जब तक ये ख़त्म नहीं होगा इसमें, तब तक मैं इसके साथ रिलेशनशिप में नहीं आऊँगी, तो फिर आपको ये चीज़ सामने से कहना भी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और मैं आपको बताती हूँ कि जो पर्सन है कैसे हैं, कैसी रहेगी बाउंडिंग। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स, कैसे होंगे इनके ट्रू लवर, कैसी रहेगी इनकी बाउंडिंग। वाह, दैट्स ग्रेट, अबंडेंस का कार्ड है आपके लिए। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ये जो पर्सन है, हो सकता है सामने से दिखाएंगे नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा कोई टाइम आ गया, वक्त आ गया, ठीक है, जहाँ पे इनको शो करना पड़े, ठीक है, तो फिर ये पर्सन पीछे नहीं हटने वाले, ये बहुत कुछ करेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है ये जो पर्सन है आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करेंगे एंड आपकी वैल्यू भी करेंगे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जब इस पर्सन से आप मिलोगे तो मे बी आप खुद अपने लाइफ में सिंगल रहोगे, या फिर ये पर्सन बहुत टाइम से सिंगल मुझे दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे 50% लोग सोलमेट दिखाई दे रहे हैं एंड 50% लोग ट्विन फ्लेम है। मुझे यहाँ पे ज़्यादा चांसेस ट्विन फ्लेम के ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, लेकिन लास्ट में जाकर रिलेशनशिप अच्छा होता है, कंप्लीट होता है, सक्सेसफुल होता है, मिलन होता है, तो वो चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे चांसेस हो सकता है 70% लोगों के लिए कि आप अपने ट्विन फ्लेम से ही शादी करोगे, ट्विन फ्लेम के साथ ही रिलेशनशिप में आओगे। ठीक है, एंड यहाँ पे सोलमेट भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं। देखिए दोनों ही रिश्ता बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, कोई कार्मिक नहीं है, ब्यूटीफुल कनेक्शन है। ठीक है, आगे आने वाले टाइम में कब तक मिलोगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। सो यहाँ पे क्लियर हो चुका है, जिसको भी ऐसा फील होता है कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ या फिर आने वाला हूँ या आने वाली हूँ, तो ऐसा हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम हो। ठीक है, मुझे ऐसे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है। देखिए यहाँ पे ये जो कार्ड है आपको क्लियरली बता रहा है कि आपके जो पर्सन है वो, जैसे कि यहाँ पे कार्ड आया था कि वो आपके हर एक ज़रूरत का ध्यान रखेंगे। ठीक है, एंड ऐसा ही होने वाला है, दो दो कार्ड आ चुके हैं। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है इनका घर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा और इनको प्लांटिंग वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा। मे बी यहाँ पे ऐसा हो सकता है इनके बड़े बड़े फार्म वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, इनका बिजनेस वगैरह सा हो सकता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का, ऐसी एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। एंड डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अबंडेंट होंगे, या फिर हो सकता है कि इनका ज्वेलरी वगैरह का शॉप हो, ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। इनका कोई बड़ा बिजनेस हो सकता है, क्लॉथ्स वगैरह का भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जो पर्सन है कभी भी आपके लाइफ में फाइनेंशली आपको वीक नहीं पड़ने देंगे। अगर इस पर्सन के साथ रिलेशन में आ जाते हो तो ये हो सकता है कि ये पर्सन आपको डेटिंग पे ले जाए, बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह करें, ये तो बिल्कुल ऑब्वियस दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन करेंगे ही करेंगे ऐसा। और क्या इन्फॉर्मेशन है, दिस वन। सो ये सब सारे मैं कनेक्शन बता रही हूँ कि कैसा रहेगा आपका बाउंडिंग। ओके, लाइफ पर्पस, वाओ दैट्स ग्रेट। सो यहाँ पे जो आपके लिए कार्ड आया है वो है स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। देखिए मुझे ऐसा लग रहा था बहुत सारे लोगों के लिए कि आप अभी बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं हुए हो, मे बी आपका एज भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आओगे, इस पर्सन के साथ आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, प्यार क्या होता है वो भी आपको नहीं पता है, वो भी आपको पता चलेगा, एंड बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल मैच्योरिटी होगी साथ में। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस राह में कोई रहे या ना रहे, आपके पेरेंट्स आपका सपोर्ट करे, कोई सिबलिंग सपोर्ट करे, कोई रिलेटिव सपोर्ट करे या ना करे, लेकिन हाँ आपके जो पार्टनर है वो हमेशा ही आपके साथ होंगे, सपोर्ट में होंगे, ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप दोनों का कभी झगड़ा हो रखा होगा एक वीक के लिए या फिर 5 दिन के लिए भी, लेकिन एक बार आप इनको कॉल कर दोगे हेल्प के लिए तो ये पर्सन तुरंत सब कुछ भूलकर आपके पास चले आएंगे, ऐसी एनर्जी है। एंड यस डेफिनेटली आपके लुक्स के तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे। और यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि आप दोनों के बीच में कोई भी नहीं आ सकता है, पूरे के पूरे इमोशनल फ्रीडम दिखाई दे रही है, ब्यूटीफुल एनर्जी दिखाई दे रही है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि नेचर जो है ना वो आपको मिला रहा है। ठीक है, ये जो जोड़ी है यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ऊपर से बन के आई है, ये दिखाई दे रही है। एंड लाइफ पर्पस, सो अप्स एंड डाउन्स डेफिनेटली होंगे आपके इस रिलेशनशिप में। एंड सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि लाइफ पर्पस, इनके लाइफ का कोई भी ड्रीम होगा, सपना, गोल, विजन होगा, तो वो आपके साथ हर एक चीज़ जो है ना शेयर करेंगे। कोई प्लानिंग है
तो वो भी शेयर करेंगे। इस तरह की चीज़ दिखाई दे रही है, मतलब साथ मिलके अपने लाइफ के पर्पस को पूरा करोगे, अपने सोल के पर्पस को पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हो आप अपने पर्सन के साथ। ये भी यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका जो ड्रीम है डेफिनेटली इनका ड्रीम होगा, और इनका जो ड्रीम होगा वो आपका ड्रीम होगा। इस तरह की एनर्जी है। फोर कार्ड्स मैं और भी आपको लेकर बताती हूँ। ओके, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि काफ़ी ये पर्सन जो है पॉसेसिव होने वाले हैं, प्रोटेक्टिव होंगे, एंड ये एनर्जी आ भी चुकी है। एंड ये जो पर्सन है आपके बिना एक पल भी रहना नहीं चाहेंगे, ठीक है। कनेक्शन तो मुझे बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये जो कनेक्शन है ना ये पास्ट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है बहुत सारे लोगों के लिए। मैच्योरिटी का कार्ड आ चुका है। देखिए मैच्योरिटी कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपके जो पर्सन है, जितना अभी के टाइम में आपने नॉलेज गेन नहीं किया, आपने लाइफ में पढ़ाई नहीं की है, ये पर्सन डेफिनेटली आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपको वैसा पर्सन मिले जो कि काफ़ी ओपन माइंडेड हो, ब्रॉड माइंडेड हो, आपको हर एक चीज़ में सपोर्ट करे, आपके गोल में वो सपोर्ट करे, अगर आप इस पर्सन से शादी भी करते हो तो ये आपको ना आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको कंट्रोल ना करे, ठीक है। अगर ऐसा आपका सोच है तो आप बिल्कुल फ्री हो जाइए, टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि आपके जो पर्सन है वो आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपको गाइड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कभी बैठे हुए हो, थक के आए हुए हो, तो ये आपको जो है कॉफ़ी वगैरह बनाकर देंगे, चाय पिलाएंगे आपको अपने हाथ से बनाकर, ठीक है। इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। कभी ये डिनर जो है आपके लिए प्रिपेयर करेंगे, कभी आप जो है इनके लिए डिनर प्रिपेयर करोगे, तो इस तरह की है एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरे जो कार्ड है आपके लिए वो है डिवाइन मैस्कुलिन का। सो ये हमेशा ही गुस्सैल हो सकते हैं, डिसिप्लिन हो सकते हैं, और ये जो है इनकी नेचर है, एनर्जी है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये अगर आपके ऊपर कुछ दबाव डाल रहे हैं या कुछ कह रहे हैं ना, अगर ऐसा होता है आगे आने वाले टाइम में, तो आप देखना कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। हो सकता है वो आपके प्रोटेक्शन के लिए ही बोल रहे हो, आपके फ़ायदे के लिए ही बोल रहे हो, ताकि आप बिल्कुल एक सही पाथ पे चलो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके जो पेरेंट्स हैं वो भी तो आपको कभी कभी डांटते होंगे या फिर कहते होंगे कि तुम्हें ये चीज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो हक जताते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मेरा इसके ऊपर थोड़ा तो राइट है, ठीक है। तो वही चीज़ है, आपके जो पर्सन है वो आपके ऊपर बिल्कुल फिदा रहेंगे, वो आपको बिल्कुल अपना मानेंगे, इसी वजह से ये आपको बहुत कुछ कहेंगे भी, ठीक है। एंड ये जो पर्सन है ये सिंगर भी हो सकते हैं, इनको सिंगिंग बहुत ज़्यादा पसंद होगा, ये पर्सन म्यूजिशियन हो सकते हैं, एंड मे बी इस पर्सन को बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट प्ले करने आते होंगे, लाइक तबला वगैरह हो सकता है, गिटार वगैरह हो सकता है, पियानो हो सकता है, इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। मे बी ये जो पर्सन है इनको क्लासिकल म्यूज़िक काफ़ी अच्छा पसंद होगा, और गाते वाते भी होंगे काफ़ी अच्छा, ठीक है। प्रोफेशनल सिंगर टाइप मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और ये ऐसा बताता है कि इस पर्सन के साथ जो आपका कनेक्शन है वो पास्ट का कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम हो आप लोग बहुत सारे लोग, ठीक है। और इसका सपना होगा इस पर्सन का कि ये जो पर्सन है आपके साथ तो हमेशा डेटिंग पे जाए, घूमे फिरे, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, देन यहाँ पे हो सकता है कि आपके जो पर्सन है फर्स्ट टाइम आपके साथ बैठकर वाइन पिएंगे, कुछ नया नया ट्राई करेंगे, कुछ एडवेंचरस करेंगे आपके साथ, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। सो यहाँ पे ब्यूटीफुल एनर्जी है, ये जो पर्सन है ना ही किसी थर्ड पार्टी को आने देंगे, ना ही कभी थर्ड पार्टी क्रिएट करेंगे अपने तरफ से, ठीक है। ये जो पर्सन है आपको लेकर सीरियस रहेंगे, ये आपको साथ रहते रहते ही पता चल जाएगा इस पर्सन के साथ, ये एनर्जी यहाँ पे क्लियरली आ रही है। मैं आपको बताती हूँ कि आपके जो पर्सन है इस पर्सन का जोडियक साइन क्या है, जैसे कि मैंने आपको बोला था, सो मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप जो है अपने करेंट पार्टनर से भी मैच कर सकते हो। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या है इनके ट्रू लव का जोडियक साइन, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन स्कॉर्पियो, लिब्रा भी हो सकता है इस पर्सन का जोडियक साइन। ओके, तो मुझे यहाँ पे इक्वालिटी दिखाई दे रही है आप दोनों के बीच में, एरिस भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके जो पर्सन है उनको अगर आप कुछ कह देते हो तो वो नहीं करेंगे, सिर्फ आपके ऊपर दबाव दिखाएंगे, डोमिनेंट बनकर रहेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप इनको कभी किसी चीज़ के लिए मना करोगे तो डेफिनेटली ये भी आपकी बात मानेंगे। तो ये एनर्जी दिखाई दे रही है लिब्रा की एनर्जी, मतलब इक्वालिटी होगी, हारमोनी होगा, बैलेंस होगा आपके इस रिलेशनशिप में इस पर्सन के साथ, ठीक है। तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी था आपके लिए कि आप तो बात मान लोगे कि आपके पर्सन बात मानेंगे या नहीं, तो डेफिनेटली ये तो बात मानेंगे, ठीक है, ये तो क्लियर है। और उसके बाद है लियो, तो इस पर्सन का फायर साइन भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे चार जोड़ी एक साइन आया है, मैं आपको और भी बता देती हूँ, कैप्रिकॉन, पाइसिस, वर्गो। ऑलराइट,
सो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पर्सन है इससे ज़्यादा ऑनेस्ट पर्सन आपको कोई नहीं मिलने वाला है। आपको जो मिलने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट पर्सन होंगे। यहाँ पे वर्गो का एनर्जी आ चुका है। वर्गो इनका जोडिक साइन हो सकता है, पाइसिस भी इनका जोडिक साइन हो सकता है, कैप्रिकॉन भी हो सकता है, लियो है, स्कॉर्पियो है, लिब्रा है, एरिस है। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ ओवरऑल एनर्जी की कैसी रहेगी आप दोनों के बीच की बाउंडिंग। तो ये जो पर्सन है अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज से कभी भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। अगर आपने कोई काम कह दिया वो करके ही रहेंगे, चाहे इनके दिल में कितना ही दुख दर्द क्यों ना हो, चाहे कितने भी गुस्सा क्यों ना रहे। ठीक है, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि जो पर्सन है पास्ट के टाइम में इनके साथ बहुत बुरा हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन दिखाई दे रहा है, पेन इन्होंने झेला है अपने लाइफ में। ठीक है, उसके साथ साथ ये जो पर्सन है बहुत इंजॉय भी करते हैं अब अपनी लाइफ को। इनको स्केटिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा। ठीक है, रनिंग पसंद हो सकता है या फिर हॉर्स राइडर हो सकते हैं। ठीक है, इनका सपना वगैरह होगा, इस तरह की एनर्जी है। काफ़ी पैशनेटली काम को करते होंगे। एंड यहाँ पे हो सकता है कि जो पर्सन है सुपीरियर कॉन्फिडेंस इस पर्सन के अंदर होगा, डायनेमिक एनर्जी, इम्पल्सिव एक्शन लेते होंगे ये अपने लाइफ में। ठीक है, ये भी चीज़ है। कभी कभी गुस्से में जो है ना ये पर्सन बहुत रिस्क भी ले लेते होंगे, ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड पाइसिस, पाइसिस जो है ये पर्सन आपसे इंडलेसली अनकंडीशनल लव करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, एंड कभी कभी थोड़े से कंफ्यूज भी होते होंगे। देखिए नॉर्मल सी बात है, कोई भी इंसान जो है लाइफ में कभी कभी थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो ही जाता है, तो वो एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। ठीक है, और यहाँ पे ये है कि ये पर्सन कभी भी जाएंगे काम के सिलसिले में बाहर जाएंगे तो ये चाहेंगे कि आप भी इनके साथ रहो, इनका सपोर्ट बनकर साथ में जाओ। ठीक है, एंड कैप्रिकॉन मतलब ये जो है अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हासिल किए हैं और अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है इनके लाइफ में। ठीक है, इट मीन्स कि ये जो पर्सन है फैमिली ओरिएंटेड के साथ साथ गोल ओरिएंटेड भी है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, काफ़ी स्मार्ट पर्सन होंगे, बहुत बहुत ज़्यादा क्लेवर होंगे ये पर्सन, काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस दिखाई दे रहे हैं, इस तरह की एनर्जी है। मैं आपको बताती हूँ ये जो पर्सन है इनका नेम इनिशियल क्या है, फिर मैं आपको टाइमिंग बताऊँगी कब तक ये पर्सन आपकी लाइफ में इंटर करेंगे। सबसे पहले डी आया है आपके लिए, एल जेड एन, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। क्या है इनके ट्रू लव का जोडियक साइन, एफ ई सी आई, पी है, जे है, वाई है, ए, एक लास्ट है वो है आपका आर। ठीक है, तो ये सारे आपके नेम इनिशियल हो सकते हैं आपके पर्सन के। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो कौन से कंट्री के होंगे, कौन से स्टेट के होंगे, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। कौन से कंट्री के हो सकते हैं, नेपाल, जापान, जर्मनी, कनाडा, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान, म्यांमार, डेनमार्क, बेल्जियम, अफगानिस्तान एंड यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो ये सारे कंट्रीज़ हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो कौन से स्टेट के हैं। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। कौन से स्टेट के हैं, छत्तीसगढ़, गुजरात, मिजोरम, असम, कर्नाटका, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, उत्तराखंड, बिहार, केरला, हिमाचल प्रदेश, झारखंड एंड एक लास्ट है वो आपका सिक्किम। ठीक है, तो स्टेट्स काफ़ी ब्यूटीफुल है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप जो है अपने पर्सन से कब तक मिलोगे, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। कब तक मिलेंगे मेरे व्यूअर्स अपने ट्रू लव से, कब इनको ट्रू लव मिल जाएगा, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सो यहाँ पे है 6 या फिर 5 मंथ लगेंगे आपको। ठीक है, 6 एंड 5 मंथ के अंदर ये पर्सन आपके लाइफ में इंटर करेंगे, और मे बी 6 वीक भी हो सकता है या फिर 5 वीक भी हो सकता है, मतलब 2 महीने या 3 महीने। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है 2, 3 या 5, 6 मंथ के अंदर ये पर्सन इंटर करेंगे। एंड ये जो है ना डेफिनेटली आपसे अनकंडीशनल लव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये जो पर्सन है जब भी आपको प्रपोज करेंगे काफ़ी रोमांटिक वे में आपको प्रपोज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपके सामने रोजेस वगैरह लेकर आ रहे हैं। एंड ये जो पर्सन है इनका हमेशा से ड्रीम रहा होगा कि जो भी मेरा पार्टनर है उसको मैं काफ़ी डिफरेंट तरीके से प्रपोज करूँ। ठीक है,
ये जो पर्सन है आपको फर्स्ट टाइम कहाँ मिलेंगे मैं आपको बता देती हूँ। मे बी मार्केट में मिल सकते हैं, किसी होली प्लेस पे मिल सकते हैं, सिनेमा, कॉलेज, ओके, एंड मैरिज सेरेमनी में मिल सकते हैं, एयरपोर्ट पे भी मिल सकते हैं, ट्रेन स्टेशन है आपके लिए, कैफ़े कॉफ़ी डे है, आउट ऑफ स्टेशन, मोबाइल स्टोर, कहीं बाहर जा रहे हो, अब्रॉड वगैरह जा रहे हो तो वहाँ मिल सकते हैं, घर के अगल बगल मिल सकते हैं, बुक स्टोर में भी आपके नेबर के ही हो सकते हैं, ऑफिस हो सकता है आपके नेबर में शिफ्ट होने वाले हो, मॉल, कैफ़े, यहाँ पे शोरूम है, कैफ़े है, फैमिली, हो सकता है अरेंज मैरिज का प्रपोजल वगैरह है, ठीक है, वर्क प्लेस एंड एक लास्ट है वो आपका, ओके, तीन है, बेकरी, पार्क, लाइब्रेरी। तो प्लेसेस काफ़ी अच्छे हैं जहाँ पे आप अपने पर्सन से मिल सकते हो फर्स्ट टाइम, ठीक है। सो मैं आपको बताऊँगी कि आपके जो पर्सन है उनका प्रोफेशन क्या है। ये पर्सन गाइडर होंगे, मैंने आपको शुरू में ही बताया था, ये पर्सन आपके स्पिरिट गाइडर हो सकते हैं, ठीक है, किसी के लिए गाइडर हो या ना हो आपके लिए ज़रूर होंगे, मार्शल आर्टिस्ट। देन यहाँ पे है बिजनेस मैन, बिजनेस वूमेन, गेम मेकर, बैंक क्लर्क, हेयर ड्रेसर हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हैं, अकाउंटेंट, सिविल सर्वेंट, डॉक्टर, दैट्स ग्रेट, सिविल इंजीनियर, क्राफ्ट आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर, डॉक्टर, फिर से यहाँ पे लॉयर हो सकते हैं, एडवोकेट भी हो सकते हैं, कोरियोग्राफर हैं, पायलट, टीचर, ट्यूटर एंड बैंक पीओ, ठीक है। तो ये सारे इस पर्सन के प्रोफेशन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, अगर आपके कोई करेंट पर्सन है तो आप इस पर्सन से मैच कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँगी कि आपके जो पर्सन है वो लुक्स वाइज एंड नेचर वाइज कैसे हैं। हो सकता है जब आप फर्स्ट टाइम मिलोगे तो चेहरे पे थोड़ा बहुत पिंपल होगा, ठीक है, थिन लिप्स होगा इस पर्सन का, वेवी हेयर होगा एंड स्ट्रेट नोज, गॉडेस लुक होगा इस पर्सन का, काफ़ी यूनिक दिखते होंगे, बिग आईज हो सकता है एंड देन है यहाँ पे फ्रिकलेस एनर्जी, अम्यूजिंग, हैवी अपर लिप्स, क्यूरियस होंगे ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा, मार्वलस, क्यूटी पाई, काफ़ी क्यूट भी हो सकते हैं, क्लोज सेट आईज, ग्लोरियस, ये पर्सन काइंड होंगे और यहाँ पे दो दो बार प्रूफ हो चुका है, दो बार कार्ड आ चुके हैं काइंड के, इट मीन्स कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा काइंड और हम्बल होने वाले हैं, टाइडी, ब्रेव, ओके, एंड कुछ लास्ट है आपके लिए, लॉन्ग हेयर, वाइड लिप्स, अट्रैक्टिव होंगे, स्मॉल नोज एंड यहाँ पे टॉल नोज है। देखिए डेफिनेटली आपके पर्सन जो है वो अट्रैक्टिव होने वाले हैं, तभी तो आप इस पर्सन के बारे में दिन भर सोचते रहोगे, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ मैं आपको लव लेटर आपको बता देती हूँ कि जो पर्सन है आपको क्या लव लेटर देना चाहते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या लव लेटर है मेरे व्यूअर्स के लिए, इनके ट्रू लवर की तरफ से। ओके, यू ब्रिंग पीस टू मी, हो सकता है ये पीस इनको कभी भी लाइफ में नहीं मिला जो पीस के तलाश में है और जो आपके साथ मिलेगा। यू आर ऑनेस्ट विथ मी, सो ये जो पर्सन आप पे ट्रस्ट बहुत करेंगे। यू होल्ड मी लाइक यू नेवर वॉन्ट मी टू गो, ओके, यू मेक माई फियर मेल्ट अवे, सो आप जब इनके साथ होगे तो इनके जितने भी डर हैं, फियर है, वो सब खत्म हो जाएंगे। तो ये सारे जो है लव लेटर आपके पर्सन आपको देना चाहते थे। ऑल राइट, सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा कि आपको आपके पर्सन कब तक मिलेंगे, 3 मंथ 5 मंथ 6 मंथ के बाद मिल सकते हैं, क्लैरिटी तो डेफिनेटली मिली होगी। तो चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। आप लोग जो है डायरेक्टली मेरे इंस्टा आईडी पे मिलना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से क्लिक करके पहुँच सकते हो, ओके, एंड फ्रॉड से बिल्कुल बच के रहिए। सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरी फैमिली का भी। हेलो पाइल टू, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए होंगे या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल द इम्प्रेस कार्ड को सेलेक्ट किए होंगे। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, पेड पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर शो कर दिया है, ठीक है। सो बिल्कुल आपको पॉजिटिव रहना है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज।
सबसे पहले यहाँ पे कार्ड है आपके लिए एस ऑफ वाटर। ओ माय गॉड, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आपके लिए आया है, मतलब लव लाइफ के लिए तो सबसे बेस्ट कार्ड कह सकते हैं, ठीक है। सो मैं आपको बताऊंगी कि मैसेजेस हैं क्या। ओह माय गॉड, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे तो आपके लिए बहुत बहुत अमेजिंग कार्ड्स आ रहे हैं। ओह माय गॉड, दैट्स ग्रेट। सो यहाँ पे जो कार्ड्स हैं, मैं पहले आपको एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि कार्ड्स जो है काफ़ी ज़्यादा उछल रहे हैं, वो बताना चाह रहे हैं मैसेजेस आपको, ठीक है, मेरे थ्रू जो है पहुँचाना चाह रहे हैं। सो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके जो पर्सन है वो डेफिनेटली एक प्रोफेशनल पर्सन होंगे। ये ऐसा नहीं है कि बैठे रहने वाले पर्सन होंगे। आप चाहे तो अपने करेंट पार्टनर से भी मैच कर सकते हो, या फिर आपके जहन में दिमाग में कोई पर्सन है तो उससे आप मैच ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि वो पर्सन है या नहीं, या फिर कोई न्यू पर्सन होंगे। तो यहाँ पे ऐसा मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा कामकाज वाले पर्सन होंगे, बहुत सारा काम करते होंगे, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी इस पर्सन के ऊपर, ठीक है। और ये काम को काफ़ी अच्छे से करते भी होंगे, लाइफ को इंजॉय भी करते होंगे, बिल्कुल एकदम एक किंग एंड क्वीन वाली एनर्जी में रहते होंगे, एक ठाट में रहते होंगे, वैसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस पर्सन के अंदर बहुत सुपीरियर कॉन्फिडेंस भी मुझे दिखाई दे रहा है, ओके। एंड कहीं ना कहीं ये जो पर्सन आपकी लाइफ में इंटर कर रहे हैं तो बहुत सारे ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहे हैं। स्पेशली आपका लव लाइफ काफ़ी अच्छा हो रहा है, आपके लव लाइफ में हीलिंग हो रही है। मतलब शुरू से ही आपका एक सपना था, भगवान के सामने डिमांड था आपका, यूनिवर्स के सामने, कि एक मुझे अच्छा पर्सन मिले किंग की तरह, एंड वैसे ही एग्जैक्टली पर्सन आपको मिल रहे हैं, ठीक है। ये जो पर्सन है ये इतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल एक एम्परर की एनर्जी है इस पर्सन की, ठीक है। ये पर्सन बहुत सीरियस होंगे आपको लेकर भी और अपने काम को लेकर भी। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा गोल ओरिएंटेड है, प्रैक्टिकल पर्सन है, ठीक है। ये चीज़ है कि एक बार आप इस पर्सन को दुखी कर दोगे, गुस्सा कर दोगे या धोखा दे दोगे तो शायद ये पर्सन फिर से पीछे मुड़ के ना देखे, ठीक है। तो इस तरह की ये पर्सन की पर्सनालिटी है। ये पर्सन किसी के साथ टाइम पास नहीं करते हैं, ना ही किसी के साथ धोखा धड़ी करते हैं। अगर किसी सामने वाले से इनको धोखा वगैरह मिल गया एक बार, तो ये जो पर्सन है उससे अपना दोस्ती वगैरह हो गया, कुछ भी हो गया, या जो भी रिश्ता नाता है वो तोड़ देते हैं। तो इस तरह की ये एनर्जी है। तो काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन डिसिप्लिन होंगे, स्ट्रिक्ट होंगे, इनके लाइफ के बहुत सारे रूल्स होंगे, गोल्डन रूल्स कह सकते होंगे, सिद्धांत होंगे जिस पे ये पर्सन चलते हैं, ठीक है। एंड इसी वजह से मैं आपको बोल रही हूँ कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, और डिसिप्लिन सभी के लाइफ में होना चाहिए, ठीक है। सभी के लाइफ का अपना रूल्स होना चाहिए, गोल्डन रूल होना चाहिए और उस पर चलना चाहिए। अगर आप उस चीज़ पर नहीं चलोगे, आपके लाइफ का रूल नहीं होगा ना, तो सामने वाला भी जो है आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगेगा, बेवकूफ़ समझने लगेगा। सामने वाला ये सोचने लगेगा कि आपके पास तो बहुत टाइम है, आप कभी भी किसी के लिए भी अवेलेबल हो जाते हो। तो हो सकता है इन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें फेस की हैं और उसके बाद ही इन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे रूल्स बनाए हैं, ठीक है। अगर किसी से एक बार धोखा मिल जाए तो फिर उससे बात नहीं करना है, उससे पूरा रिश्ता नाता तोड़ देना है, ठीक है, उसको इग्नोर करना है, कहीं भी दिख जाए। तो इस तरह की इस पर्सन की पर्सनैलिटी है, ओके। सो अगर आप जानना चाहते हो कि आपके पर्सन आपको धोखा देंगे या नहीं, कोई थर्ड पार्टी आगे जाके क्रिएट होगा या नहीं, तो बिल्कुल आप टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि ये जो सवाल है बहुत सारे लोगों के मन में चलते रहता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे क्लैरिटी बिल्कुल मिल रही है कि आपके जो पर्सन है वो आपको एक बहुत सॉलिड वाला कमिटमेंट देंगे, ठीक है। और ऐसा वैसा आप दोनों का प्यार नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे एक स्पिरिचुअल कनेक्शन दिखाई दे रहा है, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा आप दोनों का। यहाँ पे क्लियर है कि जो भी आपके लाइफ में इंटर करने वाले पर्सन हैं, जो कि 10 महीने के अंदर इंटर करेंगे, ठीक है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन का जोडियक साइन हो सकता है, और ये डायरेक्ट हो सकता है कि आपको मैरिज के लिए प्रपोज कर दें, या तो ये हो सकता है कि कोई अरेंज मैरिज आपके तरफ आएगा रिश्ता, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के साथ आप घर ही बसा रहे हो, एक नई शुरुआत हो रही है, रीबर्थ हो रहा है, अ न्यू होम दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये जो ट्रू लव है इनसे आपकी शादी ज़रूर होगी और आपका मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छा होगा। सो आप ये सोच सकते हो, मतलब ऐसा सोच कर रीडिंग देख सकते हो कि आपका एक मैरिड लाइफ को ही मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। सो ये रिलेशन आपका इस पर्सन के साथ काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव है, ब्यूटीफुल है, स्पिरिचुअल है, ठीक है। और ये जो पर्सन ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रहे हैं, आपको सिर्फ एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये पहले आपके प्यार में पड़ेंगे, फॉलिंग इन लव का कार्ड है, तभी ये पर्सन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे, ठीक है। एक चीज़ और ये यह है यहाँ पे कि ये जो पर्सन है ये वही काम करते हैं जिसमें इनको इंटरेस्ट है, ठीक है।
और इनके ऊपर अगर कोई काम थोप दिया जाए तो वो चीज़ ये नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अगर आपके साथ रिलेशन में भी आएंगे या फिर मैरिज का प्रपोजल भी लेकर आपके तरफ आएंगे, शादी तभी करेंगे या फिर रिलेशनशिप में तभी आएंगे जब ये आप में इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, कोई ज़बरदस्ती नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ फ्रीडम दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रीडम होगा आपके लाइफ में भी और इनके लाइफ में भी, ठीक है। तभी तो इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रही है, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है क्लियरली। एंड टेन ऑफ अर्थ मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप लोग रिलेशनशिप में भी आते हो ना, तो अगर फैमिली को बताते हो तो आपकी फैमिली जो है ना वो बिल्कुल भी मना नहीं करेगी इस पर्सन को, क्योंकि ये जो पर्सन है अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हासिल किए हैं, एक डेवलप पर्सन है। लेकिन हाँ, थोड़ा मे बी टाइम लगा सकते हैं आपके पेरेंट्स, क्योंकि कभी कभी पेरेंट्स को जो है अपने बच्चों के डिसीजन पे भरोसा नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पेरेंट्स थोड़ा टाइम लगाएंगे और इनके बारे में अच्छे से जानकारियाँ प्राप्त करेंगे, इन्फॉर्मेशन लेंगे, तब आपकी शादी इस पर्सन से करा सकते हैं। और इन लॉज भी थोड़ा टाइम लेंगे, ठीक है। तो उनको मनाने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन हाँ, जो भी है एक टाइम ऐसा आएगा कि शादी भी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन से आप 10 मंथ के अंदर मिल सकते हो, और मैं आपको वैसे कार्ड लेकर बताऊँगी एग्जैक्ट टाइमिंग, ठीक है। सो यहाँ पे एक चीज़ है कि जो पर्सन है आपको एक बहुत अच्छा हैप्पी फैमिली लाइफ देंगे, ठीक है। इनका शुरू से ही कहना रहेगा, इनका शुरू से ही कमिटमेंट रहेगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, ठीक है। तो इनके मन का जो भी इंटेंशन होगा ये शुरू से ही आपके सामने वो सारी बातें रख देंगे। ये एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है, एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी। एंड सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि यहाँ पे बॉन्डिंग अच्छी होने की वजह से आप छोटे छोटे चीज़ों को भी इंजॉय करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके लिए एक सिर्फ एक रोज़ का भी फ्लावर लेकर आएंगे ना, तो आप उस चीज़ को लेकर अपने हाथ में उस पल को, उस टाइम को बहुत अच्छे से इंजॉय करोगे। क्यों? क्योंकि आपको एक ट्रू लव मिल रहा है, ठीक है। ट्रू लव के द्वारा वो सारी चीज़ें आपको मिल रही है इसलिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे धोखेबाज लोग भी आपको मिले होंगे, कार्मिक पर्सन के साथ भी रहे होंगे, जिन्होंने आपको मेटेरियलिस्टिक थिंग का सुख तो दिया लेकिन वो प्यार नहीं दिया, वो इमोशनल सपोर्ट नहीं दिया, ठीक है। इसलिए आप उस पर्सन के साथ भी अच्छा नहीं फील करते होंगे, लेकिन इस पर्सन के साथ आप बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हो। ये पर्सन खुद बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है? काम को लेकर ये पर्सन बहुत सीरियस रहते होंगे, ठीक है। टॉरस, कैप्रिकॉन, वर्गो इनका ज़ोडियक साइन है, और वर्गो है तो डेफिनेटली यहाँ पे ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा लॉयल होने वाले, फेथफुल पर्सन होंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कार्ड आ चुका है, सो मैं आपको बता देती हूँ। 16% चांसेस है, या 6% चांसेस है कि पास्ट के पर्सन भी हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों से रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है, 6% ही चांसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप में रहे थे, या फिर आपने अपॉर्चुनिटी खो दी थी उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आने का, हो सकता है वापस से वो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, प्रपोजल वगैरह लेकर फिर से आएंगे, और देन आप इस पर्सन का प्रपोजल इस बार एक्सेप्ट करोगे और फिर उनके साथ आपकी रोमांटिक रिलेशनशिप शुरू होगी, एंड वो आपके ट्रू लवर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ है, हो सकता है कुछ कारण की वजह से आपने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया होगा, ठीक है, और इस बार फिर से वो आपको प्रपोज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड यहाँ पे लवर का कार्ड आ चुका है, कुछ लोग 6 मंथ के अंदर ही मिलोगे, ठीक है, या 6 वीक भी हो सकता है, 2 महीने हो सकते हैं। सो लवर का कार्ड है, इट मीन्स कि आप दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंटीमेट रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, हेल्दी वेल्दी रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। आपके जो पर्सन है वो आपको खुश रखने के लिए, आपको आपका हेल्थ अच्छा रखने के लिए बहुत कुछ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपका हेल्थ भी ख़राब है तो आपका हेल्थ भी अच्छा होगा जब ये पर्सन आपकी लाइफ में इंटर करेंगे। मतलब हर तरीके से अच्छा दिखाई दे रहा है, आपका करियर अच्छा दिखाई दे रहा है, मे बी फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत चांसेस है, और सबसे ज़्यादा तो ये पर्सन आपको इमोशनली सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर घर में आपका झगड़ा हो रहा है किसी से, फैमिली से, तो आप इस पर्सन से शेयर करोगे तो ये पर्सन आपको सपोर्ट करेंगे, ये कहेंगे मैं हूँ ना, इस तरह की एनर्जी होगी इस पर्सन की। और क्या है इस पर्सन की एनर्जी? दिस वन, ओ माय गॉड, स्ट्रेंथ का कार्ड आ चुका है। थोड़ा हिम्मत रखने की ज़रूरत है अभी आपको लाइफ में। अगर आपकी लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, अप्स एंड डाउन्स चल रहा है, तो यह चीज़ कहा जा रहा है कि हिम्मत रखिए, ठीक है, क्योंकि आपको हिम्मत देने वाला पर्सन इंटर करने वाला है आपके लाइफ में, ठीक है। और उस पर्सन की वजह से आप ग्रेट इनर स्ट्रेंथ फील करने वाले हो, आपके साथ बिल्कुल जजमेंट आपको मिलने वाला है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है, और हो सकता है कि कुछ पास्ट का प्रॉब्लम, पास्ट का कर्म आपका अच्छा नहीं रहा है, इस वजह से थोड़ा सा आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन ठीक है, ठीक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, 11 डेज़ के अंदर आपको अपने लाइफ में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है, स्ट्रेंथ रखना है आपको, ठीक है। स्ट्रेंथ से ये भी पता चल रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपके लाइफ में स्ट्रेंथ बनकर आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे आपको लेकर, ये भी है। एंड ये जो पर्सन है काफ़ी अच्छे पेशेंट दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी धैर्य होगा, धीरज होगा इस पर्सन के अंदर, काफ़ी लविंग होंगे। लविंग कहने का ये मतलब है कि ये जो पर्सन है आपको प्यार कर रहे हैं, आप इस पर्सन को प्यार कर रहे हो। ये पर्सन इतने ज़्यादा नेचर के अच्छे होंगे, काइंड होंगे, क्यूट होंगे कि सभी लोग इनके तरफ आकर्षित होते होंगे, इनके नेचर की तरफ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इनके कुछ फ्रेंड है तो काफ़ी लॉयल होंगे, इनके दोस्त भी, ये भी अपने दोस्तों के लिए लॉयल होंगे, ठीक है। इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है, मतलब इनके जो सराउंडिंग है, लोग हैं, दोस्त हैं, वो लोग भी काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अच्छी परवरिश दिखाई दे रही है और साथ साथ संस्कार भी इनका अच्छा होगा, ऐसी एनर्जी है। एंड यहाँ पे ज़ोडियक साइन है आपके पर्सन का कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो पर्सन है आपसे कहीं ज़्यादा पेशेंट होंगे, बहुत ज़्यादा ये जो पर्सन है इस रिश्ते को लेकर शांत रहेंगे, पेशेंस रखेंगे, ठीक है। आप जितना वेट कराओगे उतना ज़्यादा ये पर्सन वेट करेंगे। दूसरी बात, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी केयरिंग कनेक्शन होगा, एक दूसरे की केयर भी बहुत ज़्यादा करने वाले हो, ठीक है। ये भी एनर्जी है और सबसे इम्पॉर्टेंट ये होना भी चाहिए कि आप दोनों एक दूसरे की केयर करो, एक दूसरे को समझो, ठीक है, ये चीज़ है। ऑल राइट, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। कैसे हैं इनके पर्सन? थ्री ऑफ अर्थ, काफ़ी क्रिएटिव है ये पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन स्पोर्ट्स वगैरह के भी हो सकते हैं, ठीक है। ये टीम वर्क करते हैं, टीम में हो सकता है कुछ बिजनेस वगैरह करते हो। एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है सन का कार्ड, इट मीन्स कि आपका इस पर्सन के साथ रिलेशन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ब्राइट है, ब्राइटेस्ट कह सकते हैं, और कोई भी इस रिलेशनशिप के बीच में नहीं आएगा, जो आएगा उसे जाना ही पड़ेगा वापस से, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप का आपको बहुत हैप्पी आउटकम्स मिलेगा, ठीक है। एंड ये जो पर्सन है, मैंने आपको बताया कि काफ़ी क्रिएटिव होंगे, और इस पर्सन के वजह से, इस पर्सन के साथ रह रहे के आपके सोच में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाला है, आपको बहुत सारे ब्रिलियंट न्यू आइडियाज़ मिलेंगे। मे बी ये जो पर्सन है ना, इस पर्सन के साथ आप पार्टनरशिप वगैरह कर सकते हो, हो सकता है कि बिज़नेस के लिए आप इस पर्सन से मिलो, बिजनेस के दौरान, सेमिनार के दौरान, वो मैं आपको ज़रूर लेके बताऊंगी कि कब आप मिलोगे इस पर्सन से। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के साथ आप टीम वर्क करोगे, या फिर ये खुद टीम वर्क करते होंगे, ठीक है, पार्टनरशिप वगैरह आप कर सकते हो, और जब काम करते रहोगे उस दौरान आप दोनों के बीच में प्यार होगा, फीलिंग डेवलप होगा एक दूसरे के लिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि जो पर्सन है आपके साथ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करेंगे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। और राइट, यहाँ पे ये जो पर्सन है, इस पर्सन के साथ आप काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी भरा टाइम स्पेंड करने वाले हो, ठीक है। बहुत अच्छा समय होगा जब आप इस पर्सन के साथ होंगे, ठीक है। 3 मंथ ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है लगे आपको। एंड देन नाइट ऑफ अर्थ का कार्ड है, सो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि शायद ये मैरिज का प्रपोजल आपके सामने आ सकता है 3 मंथ के अंदर या 3 वीक के अंदर। शादी फिक्स हो जाएगी आपकी और काफ़ी स्मूथ चलेगा रिलेशन, एक दूसरे को समझोगे, काम वाम का बात करोगे, उसके बाद फिर उसके बाद क्या होगा, आप दोनों का शादी वगैरह या सगाई वगैरह हो जाएगा, ओके। सो यहाँ पे कुछ और भी इन्फॉर्मेशन है, नाइट ऑफ अर्थ, अगर आपके मन में ये सवाल चल रहा है कि आपके जो पर्सन है वो बाद में जाके धोखा दे दिए, तो ठीक है, तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो एक एंजल की तरह है, वो एक बिल्कुल एक गार्जियन एंजल की तरह है, ठीक है। इनके जैसा लॉयल, इनके जैसा फेथफुल आपको शायद कोई नहीं मिला होगा, आपकी फैमिली में ही होंगे जो होंगे, और शायद कोई नहीं मिला होगा, लेकिन आपके पार्टनर आपको मिलेंगे, ठीक है। बहुत लॉयल, बहुत डेडिकेशन के साथ इस रिश्ते को निभा रहे हैं, पूरे डिवोशन के साथ, ओके, एंड काइंड है ही। साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इनके नेचर की वजह से ना, इनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है समाज में, बहुत ज़्यादा प्यार है, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और जो भी सीनियर सिटीज़न होंगे ना, इनको तो बहुत ज़्यादा प्यार देते होंगे, ठीक है, अपने बच्चे की तरह समझते होंगे, इनके जो नेबर में लोग होंगे इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते होंगे, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे है, ओके। सो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डीप थिंकर भी दिखाई दे रहे हैं मुझे, काफ़ी गहराई में जाकर चीज़ों को सोचते होंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोच भी डिफरेंट दिखाई दे रहा है, और कोई भी काम जो है ना, काफ़ी ज़्यादा आराम से करते होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल सामने झगड़ा हो रहा है, किसी नेबर से झगड़ा भी हो गया,
तो ये जो है ना इतने अच्छे से चीज़ों को सॉल्व करते होंगे ना कि आप देखते रह जाओगे। ठीक है, कहीं वर्क प्लेस पर झगड़ा हो गया, कहीं बाहर गए वहाँ किसी से झगड़ा वगैरह हो गया, तो ये काफ़ी काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग मैनर में चीज़ों को या चैलेंजेस को हैंडल करते होंगे। उसी तरह लाइफ में या फिर रिलेशनशिप में कोई भी चैलेंजेस वगैरह आएंगे, आपको कभी मनाना रहेगा या झगड़ा हो जाएगा, तो ये काफ़ी अच्छे से आपको मनाने वाले हैं काइंडली, अंडरस्टैंडिंग मैनर में, और सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा होगा इस पर्सन का। आपको ये पर्सन कभी रोने नहीं देंगे, बहुत ज़्यादा हंसाएंगे। ठीक है, सो ये क्रिएटिव है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा स्किलफुल दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे स्किल्स होंगे इस पर्सन के अंदर। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पोर्ट्स के हो सकते हैं, हो सकता है क्रिकेटर वगैरह हो, ठीक है, मार्शल आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि इनको साइकिलिंग वगैरह करना काफ़ी पसंद हो, रनिंग करना पसंद हो। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन है, दिस वन एंड दिस वन। सो मुझे बार बार यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लग रहा है कि शायद इस पर्सन से आप जो है ना वर्क प्लेस पर मिलोगे। ठीक है, एंड ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में बहुत सारे पीस, अबंडेंस, मोटिवेशन, ये सारी चीज़ें लेकर आ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये जो पर्सन है आपके लाइफ को पूरी तरह कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, ये जो पर्सन है कुछ लोगों के लिए बाहर के भी हो सकते हैं, आप ऑनलाइन वगैरह भी मिल सकते हो, एंड देन ये जो पर्सन है जब आप लोग रिलेशनशिप में आ जाओगे उसके बाद ये पर्सन आपसे मिलने को आएंगे। ये पर्सन एक लीडर होंगे, लीडरशिप क्वालिटी दिखाई दे रही है इस पर्सन के अंदर। ये पर्सन जो है ना किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं करते होंगे, इसलिए इन्होंने फैसला किया होगा कि मैं बिज़नेस वगैरह करूँगा या फिर मैं बिज़नेस वगैरह करूँगी। ठीक है, जहाँ पे मैं हेड रहूँगा, मैं क्वीन रहूँगा, मैं लीडर रहूँगा, मैं किंग रहूँगा। ठीक है, इस तरह की एनर्जी होगी इस पर्सन की। सो सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि जब ये पर्सन आपकी लाइफ में इंटर करेंगे तो बहुत सारे गुड न्यूज़ आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, एंड फिर से आ चुका है आपके लिए अ हैप्पी होम लाइफ। इट मीन्स कि आपका मैरिड लाइफ जो है ना वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाला है। ये जो पर्सन है आपके फैमिली की भी रिस्पेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड है। द वर्ल्ड का कार्ड बिल्कुल कंप्लीशन को दिखाता है, कंप्लीट करता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये पर्सन आपको मिलेंगे उसके बाद आप पूरी तरह कंप्लीट फील करने लगोगे, आपके लाइफ में इनलाइटमेंट होगा। ठीक है, खुशियाँ आएंगी, और फिर यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में फिर किसी और की आपको ज़रूरत कभी पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि ये जो है आपको पूरी तरह कंप्लीट करेंगे। और अच्छी बात यहाँ पे ये भी है कि आप भी जो है इस पर्सन को पूरी तरह कंप्लीट कर रहे हो। सोलमेट कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको ग्रैटिट्यूड सेंड करना चाहिए यूनिवर्स को। मैं आपको बताती हूँ कि आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वो कैसा रहेगा। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स, कैसे होगी इनकी बाउंडिंग, दिस वन बाउंड्रीज, ओके, कमिटमेंट, वाह, काफ़ी अच्छा मैसेज आ रहा है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मे बी आपके जो फैमिली है वही आपके इस रिलेशन के एनिमी बन के सामने आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में दरार डालने की कोई कोशिश कर सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई थर्ड पार्टी होगा या फिर कोई लड़की होगी या फिर कोई लड़का होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मे बी आपके भाई बहन या फिर कोई रिलेटिव या फिर आपके खुद के पेरेंट्स हो सकते हैं जो कि बाउंड्रीज बनकर आएंगे। ठीक है, और आपके एनिमी नहीं होंगे बल्कि इस रिलेशनशिप से जो है पूरी तरह अग्री नहीं करेंगे, ये हो सकता है शुरुआत के लिए। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल एक स्टोरी की तरह मैसेज आया है जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये जो पर्सन है चाहे कितने भी बाउंड्रीज क्यों ना आएंगे, चाहे आप दोनों के बीच में कितना भी झगड़ा क्यों ना होगा, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन के साथ आप मिलके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ये चीज़ है। यहाँ पे आपके जो पर्सन है कभी इनसे गलती होगी तो ये काफ़ी ज़्यादा एम्पैथेटिक भी है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो भी सिचुएशन आपका रहेगा उस सिचुएशन में आकर देखेंगे कि हाँ गलती मेरी थी, मुझे माफ़ी मांगना चाहिए। तो ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा पैशन भी होगा इस रिलेशन में, अंडरस्टैंडिंग होगी आप दोनों के बीच में, प्यार होगा, एक स्पिरिचुअल लव होगा, एक ट्रू लव होगा, आप देख सकते हो कार्ड। ठीक है, ये जो पर्सन है आपको हर एक तरीके से समझेंगे, आपकी क्या सोच है, आपका क्या परसेप्शन है, आप किस वक्त क्या सोच रहे हो, ये सब कुछ समझेंगे। टेलीपैथिक कनेक्शन दिखाई दे रहा है, एंड ये जो कंपैटिबिलिटी है ये यूनिक है, माइंड ब्लोइंग है। ये जो कंपैटिबिलिटी है वो आगे तक जाएगी, चाहे कितने भी बाउंड्रीज हो या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाना पड़े, ये सब कुछ करेंगे। ठीक है,
कभी इस पर्सन को किसी के सामने झुकना भी पड़े, आपके पेरेंट्स के सामने झुकना पड़े, ये झुकेंगे भी, माफ़ी भी मांगेंगे, जबकि ये पर्सन ऐसा कुछ करते नहीं है, लेकिन आपके लिए करेंगे, ठीक है। और इनका जो ये कमिटमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है, और इस कमिटमेंट को ये जो पर्सन है ना हमेशा ही निभाएंगे, ठीक है। ये आपके सामने आकर कहेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने जो तुम्हें कमिटमेंट दिया है वो मैं मरते दम तक निभाऊंगा, इस तरह की इनकी बातें होंगी, ठीक है। थ्री कार्ड्स और, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, ये जो पर्सन है इनको फार्मिंग वगैरह काफ़ी पसंद होगा, और ये जो पर्सन है इनका घर काफ़ी बड़ा हो सकता है, गार्डन वगैरह हो सकते हैं। एंड देन है यहाँ पे आपके लिए डिवाइन मैस्कुलिन, सो ये जो पर्सन है आपके लिए किसी से भी फाइट कर जाएंगे, स्टैंड लेंगे, इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक ईगल की एनर्जी है, लायनेस की एनर्जी है, लायन टाइगर की एनर्जी है, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलिन है ये पर्सन आपके, मतलब कि हो सकता है ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होंगे, लेकिन हाँ ये जल्दी शो नहीं करेंगे अपने इमोशन को, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद ही बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, और दोनों ही अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे तो फिर संभालेगा कौन, ठीक है। जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको फाइट करना पड़ेगा, अपने इस रिलेशन के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, तो किसी एक पर्सन को स्ट्रांग बनना पड़ेगा ना, तो उस वक्त यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करेंगे, वो आपको बहुत अच्छे से संभालेंगे, ठीक है। इमोशनल दोनों ही हो, लेकिन आप थोड़े ज़्यादा इमोशनल हो सकते हो अपने पर्सन को लेकर। इस पर्सन का जोडियक साइन क्या है एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स के थ्रू मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। मैं आपको टाइमिंग भी बताऊँगी कि कितना टाइम लग सकता है टैरो कार्ड्स के थ्रू। यहाँ पे है सजिटेरियस, ठीक है। ये काफ़ी पावरफुल पर्सन हो सकते हैं, पावर वगैरह हो सकता है इस पर्सन के पास। एंड ये जो पर्सन है आपके लिए गुड फॉर्च्यून दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। फेथ काफ़ी ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा इंथुजियाज़म भरे पर्सन होंगे, ठीक है। इंथुजियास्टिक दिखाई दे रहे हैं, स्कॉर्पियो भी हो सकता है। आइस बहुत ज़्यादा इस पर्सन का अट्रैक्टिव होगा, आइस का कलर भी डिफरेंट हो सकता है। सिक्रेटिव हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, और थोड़े पोसेसिव भी हो सकते हैं, ठीक है, शुरुआत में। एंड इंटेंस एनर्जी होगी आप दोनों के बीच में। ये पर्सन एक प्रोफेसर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, टॉरस ट्वीन का जोडियक साइन हो सकता है। नेचर लवर होंगे ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। हो सकता है कि इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आओगे, जब ये पर्सन आपको डेटिंग वगैरह पे लेकर जाएंगे, लेकिन ये पर्सन आपको रेस्टोरेंट नहीं, हो सकता है एक बहुत अच्छे नेचुरल प्लेस पर आपको लेकर जाए, ठीक है। इनको हो सकता है पार्क वगैरह में मिलना काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा, या फिर किसी होली प्लेस पे मिलना पसंद करेंगे। यहाँ पे एरिस भी इनका जोडियक साइन हो सकता है। एंड देन है आपके लिए कैंसर, ओ माई गॉड दैट्स ग्रेट। इनका तो बहुत सारा ड्रीम होगा आपको लेकर, ठीक है। जैसे बेबीज़ वगैरह का यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, ये पर्सन आपके साथ होम लाइफ देखेंगे, ठीक है। ये पर्सन साइंटिस्ट हो सकते हैं, एस्ट्रोनॉट वगैरह हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं। एंड एक है यहाँ पे जेमिनी, तो ये सारे जोडियक साइन दिखाई दे रहे हैं इस पर्सन के। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, टॉरस, एरिस, कैंसर, जेमिनी, ठीक है। एक लास्ट और है जोडियक साइन, वो है आपका दिस वन, कैप्रिकॉर्न। ओके, सो काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्किंग होने वाले हैं। सो कैंसर ये आपको क्लियरली बताता है कि आपके जो पर्सन होंगे वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, सेंसिटिव होंगे, और केयरिंग होंगे, लॉयल होंगे, फेथफुल होंगे, इसमें कोई शक है ही नहीं, ठीक है। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके जो पर्सन है क्या है इनका नेम इनिशियल, यू बी एम वाई वी डब्ल्यू एफ एन टी जेड क्यू एस एक लास्ट ए, ठीक है। तो ये सारे नेम इनिशियल है, फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, थर्ड नेम, कुछ भी हो सकता है। सो आपके जो पर्सन है फर्स्ट टाइम आपको कहाँ मिलेंगे, आउट ऑफ स्टेशन, मार्केट, मॉस्क्यू, स्टोर, स्कूल, अदर कंट्री, जिम, होटल, होली प्लेसेस, देन यहाँ पे एयरपोर्ट है आपके लिए, डिस्को, पब, होम, अनएक्सपेक्टेडली मिल सकते हैं, चर्च में मिल सकते हैं आपको ये पर्सन, फूड कोर्ट है यहाँ पे, मॉल है यहाँ पे, जू भी है, वर्क प्लेस, फ्रेंड्स सर्कल में मिल सकते हो, पार्क, ऑर्फनेज, एक लास्ट है वो आपका, रेलवे स्टेशन है, इंस्टीट्यूट है, एंड पार्टी है, ठीक है। तो ये सारे प्लेसेस हैं जहाँ पे आप फर्स्ट टाइम आप अपने
पर्सन से मिल सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी आपके जो पर्सन है वो कौन से कंट्री के होंगे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। श्रीलंका, USA, इंडोनेशिया, चाइना। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। नेपाल, बेल्जियम, म्यांमार, स्पेन, इंडिया, अफ़गानिस्तान। दो लास्ट है आपका, यहाँ पे ईरान है एंड आपके लिए है डेनमार्क, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो कौन से स्टेट के होंगे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। फिर मैं आपको बताऊँगी इसके बाद टाइम, कितने टाइम के अंदर आप मिलोगे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। कहाँ से होंगे इनके पर्सन? पंजाब, उड़ीसा, चंडीगढ़, मिजोरम, गुजरात, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ओके, मेघालय, झारखंड। कुछ लास्ट में आपको बता देती हूँ, कर्नाटका, असम, उत्तराखंड, महाराष्ट्र एंड गोवा, ठीक है। तो ये सारे ब्यूटीफुल स्टेट्स हैं जहाँ से आपके पर्सन हो सकते हैं। आपके जो पर्सन है उनका प्रोफेशन क्या होगा, लेकिन अभी मैं आपको बताने वाली थी टाइमिंग। सो टाइमिंग क्या है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या है टाइमिंग, कब तक मिलेंगे इनके पर्सन इनको, मेरे व्यूअर्स के ट्रू लवर इनको कब तक मिलेंगे? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। प्लीज़ गॉड, 5 मंथ, ओके। यहाँ पे 5 मंथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 5 मंथ हो सकता है, 5 वीक हो सकता है, बार बार 5 ही आ रहा है। एंड यहाँ पे एक और मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे 4 मंथ भी हो सकता है, ठीक है, या फिर 7 मंथ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो चुका है कि आपके जो पर्सन है वो आपको 5 मंथ, 7 मंथ या 4 मंथ के अंदर मिलेंगे। ज़्यादा चांसेस 5 मंथ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँगी कि आपके जो पर्सन है वो आपको क्या लव लेटर देना चाहते हैं। दिस वन, सबसे पहले यहाँ पे है आपके लिए, नो मैटर हाउ अदर्स सी मी, यू मेक मी फील स्पेशल। एक दूसरे को काफ़ी स्पेशल फील कराने वाले हो। आई लव टू टिकल योर फीट, ओके। यू ब्रिंग अ स्माइल टू माई फेस एवरी मॉर्निंग। सबसे पहले उठ के इनसे ही बात करोगे आप। उसके बाद है, यू थिंक आई एम गुड लुकिंग नो मैटर वॉट। एंड देन है, ओके, यू पैम्पर मी लाइक योर बेबी। सो आपके पर्सन आपका बहुत ख्याल रख रहे हैं और हो सकता है कि आप भी इनको काफ़ी अच्छे से पैम्पर करो बेबी की तरह। आई कैन बी एज सिली एज आई लाइक विदाउट वरिंग दैट यू वुड लव मी लेस। एंड यहाँ पे है, यू लव मी लाइक नो अदर एंड यू मेक मी लव कॉन्स्टेंटली। यू फाइंड माई वियर हैबिट अडोरेबल। आई मिस यू इवन यू आर द नेक्स्ट रूम। ये काफ़ी ब्यूटिफुल मैसेज है, ठीक है। एंड देन है यहाँ पे आपके लिए, यू नो मी बेटर देन आई नो माई सेल्फ। एंड दो लास्ट है यहाँ पे आपके लिए, यू ऑलवेज नो वट आई एम थिंकिंग, ओके। एंड देन वाइस वर्सा की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि एक दूसरे के थिंकिंग को काफ़ी अच्छे से समझोगे, टेलीपैथिक कनेक्शन होगा। आई ट्रस्ट यू विथ माई लाइफ एंड हार्ट। सो यहाँ पे ट्रस्ट बाउंडिंग बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, काफ़ी ब्यूटिफुल बाउंडिंग होगा। एंड ये आप मान लो कि टाइम के साथ आप दोनों की जो बाउंडिंग है वो इंक्रीज होती चली जाएगी, ओके। आपके जो पर्सन है वो लुक्स वाइज कैसे हैं मैं आपको बता देती हूँ। फेयर होंगे आपके पर्सन, सॉफ्ट हार्टेड, पोलाइट, एंजेलिक लुक, पॉइंटेड नोज, ब्लॉन्ड हेयर कलर होगा, फुल लिप्स, ब्यूटिफुल हार्टेड पर्सन होंगे, दैट्स ग्रेट। एंड सुपर ऑसम होंगे आपके पर्सन, फ्लेक्सिबल एनर्जी है, टॉल होंगे। एंड लास्ट है आपके लिए, इनक्रेडिबल। सो ये जो पर्सन है ये काफ़ी इनक्रेडिबल होंगे, ठीक है। हो सकता है कमी हो इस पर्सन के अंदर, लेकिन हाँ ये बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इस तरह के पर्सन से आप अपने लाइफ में कभी नहीं मिले होंगे, ऑलराइट। सो अब मैं आपको बताऊँगी कि आपके जो पर्सन हैं इनका प्रोफेशन क्या है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, अकाउंटेंट्स, पेंटर, डॉक्टर, मेंटल हेल्थ काउंसलर, यूट्यूबर, लॉयर, योगा इंस्ट्रक्टर, ब्यूटिशियन, साइकोलॉजिस्ट, बिजनेसमैन, बिजनेस वूमेन,
मॉडल, प्रोफेसर हो सकते हैं, नेवी ऑफिसर हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, म्यूजिशियन है और बारटेंडर है, फिटनेस ट्रेनर, एरोबिक ट्रेनर, बिजनेस में हो सकते हैं, एक लास्ट है वो आपका कोरियोग्राफर। ठीक है, सो होप आपको क्लियरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पेड पर्सनल ट्रेनिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आई डी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर शो कर दिया है। ओके, और अगर आप डायरेक्टली मुझसे मिलना चाहते हो तो एग्जैक्टली आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर जो भी लिंक इंस्टा पर दिया गया है, इंस्टा का, आपको उस पर ही क्लिक करके पहुँचना है। इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ क्योंकि फेक अकाउंट क्रिएट हुआ है, दैट्स वाई, ताकि आपका जो पैसा जो आप लगाते हो पेड पर्सनल रीडिंग में वो इधर उधर ना जाए, फ्रॉड के हाथ में ना लगे। ठीक है, इसलिए मैं आपको अवेयर कर रही हूँ। ऑलराइट, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरे फैमिली का भी।